हेलो, आज हम आपके सामने ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आपको, ये एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट स्क्रीन इस टाइप से खुलती है, मतलब आपकी कॉलेज की पूरी डिटेल रहेगी इसमें। जितने कोर्स भरे जा रहे हैं वो सब रहेंगे यहाँ पे। आपको बीए बीएससी इस टाइप से यहाँ अप्लाई करके आप देख सकते हो। यहाँ से आप सब्जेक्ट चूज किया और अप्लाई टू बी फर्स्ट ईयर। ये आपके सब्जेक्ट डिस्प्ले हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं। चार सब्जेक्ट अगर बी फर्स्ट ईयर में लेने हैं तो चार ही आपके डिस्प्ले होंगे। अगर आप पांचवा सब्जेक्ट लेंगे तो वो डिस्प्ले आपका नहीं होगा। जैसे कि मैं आपका एक फॉर्म अपलोड करके दिखा रहा हूँ, डिटेल मैंने यहाँ भरा। जो भी हम डिटेल भर रहे हैं उसके सामने एक पॉपअप बॉक्स खुल रहा है। उसमें आपको लिखा है कि किस टाइप से आपको डिटेल भरनी है। तो ये यहाँ से हम फोटो अपलोड कर रहे हैं। फोटो यहाँ से हमने ले लिया है। हम हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। बी फर्स्ट ईयर का यहाँ पर सब मैक्सिमम मार्क्स और इस टाइप से मार्क्स भर दिए और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया, हम यहाँ देख सकते हैं। और प्रिंट करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म प्रिंट हो गया। ये आपका फॉर्म है, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ। अब ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपसे मांगेगा। ये आपका कंट्रोल पैनल है। यहाँ हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया। ये पासवर्ड और लॉगिन आईडी अलग अलग हो सकता है, सबको हम अलग अलग राइट्स देंगे। फर्स्ट स्क्रीन इस टाइप से खुलती है। यहाँ पर जितने भी फॉर्म भरे गए हैं सब कोर्स का डिटेल दिखाएगा और टोटल फॉर्मों की संख्या दिखाएगा, इतने भर गए हैं और इतने आपने अप्रूव कर रखे हैं। ये सबसे पहले आपका मास्टर है। मास्टर में हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपका कोर्स फीस मास्टर है। इसमें सारे सब्जेक्ट कोर्स आपके डिस्प्ले होंगे और यहाँ से आप अपनी फ़ीस सेट कर सकते हैं। इस साल के शुरुआत में आप फीस सेट करेंगे, पूरे साल वही चलेगी। ये आपका सब्जेक्ट मास्टर है। इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, बीए बीएससी बीकॉम, ये सब दिखाई देंगे। वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका अकाउंट हेड है। ये आपके सब्जेक्ट मास्टर है। सब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको कंफर्म करना है। अगर स्टूडेंट ने वह फॉर्म भरा तो हमने जैसे ये वाला फॉर्म भरा था, यहाँ पर अपनी सेट फीस कर लेते हैं। तो आपने वन टाइप किया। अगर आपको डिस्काउंट देनी है तो यहाँ 500 इस टाइप से डाल दिया और सेव कर दिया। ये आपका सिस्टम में पहुँच गया। अब मैं पहले और बाकी के बारे में बता दूँ। जैसे कि आपकी लिस्ट दिखा रहा है वेरी, कि आपके कितने कितने फॉर्म भरे हैं, यहाँ पे आपको डिस्प्ले करता रहेगा। यहाँ से आप अगर किसी का प्रिंट निकालना तो यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका कभी भी इस फॉर्म का हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी का फॉर्म अपडेट करना है तो यहाँ क्लिक करके उसका डिटेल पर क्लिक करेंगे, पूरा फॉर्म खुल जाएगा। और यहाँ पे एक नीचे एडिट है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म पूरा का पूरा एडिट मोड में खुल जाएगा। किसी को भी हम फील्ड आप चेंज करके सेव कर सकते हो। ये कभी भी कर सकते हैं, होता रहेगा। अपडेट किया और वो मेरा अपडेट हो गया आधार नंबर। नेक्स्ट यहाँ दिखाते हैं, अगर किसी का फ़ोटो चेंज करना हो तो यहाँ पूरा रजिस्टर नंबर डाल के फ़ोटो आ गया। यहाँ से मैंने कोई दूसरा फ़ोटो अपलोड करूँगा तो ये उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। ये एकदम सेकेंडों में काम होता है। ये आपका है कि स्टूडेंट की, अगर आपके पास पुराना डेटा है तो ये पुरानी लिस्ट हम अपलोड कर देते हैं तो आपका सब दिखा है। आप बैलेंस दिखा रहा, अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो 100 फीस कितनी कितनी कब कब फीस जमा हुई, ये पुराने बैलेंस आपका दिखाता रहेगा। तो ये पुराने स्टूडेंट का पूरा डेटा आपका कभी भी सेव रहेगा हमेशा के लिए। क्लास ट्रांसफ़र, अगर किसी को क्लास ट्रांसफ़र मतलब बी ए फर्स्ट ईयर से लेके जैसे कि सेकेंड ईयर में आपको जाना, तो यहाँ डिस्प्ले में आएगा। यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ बैलेंस शो करेगा। बैलेंस शो करने के बाद में यहाँ पे कोई और पुरानी फीस भी दिखाएगा, कब कब कितनी कितनी जमा हुई। तो यहाँ आपको दिखा रहा है जैसे कि बैलेंस आपका 250 रुपये है। क्लास ट्रांसफ़र करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और इसका ये फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। अब वो हम आते हैं नेक्स्ट। आपका अगर सब्जेक्ट चेंज करने हैं तो उसका क्लास रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और बी एस ऑटोमेटिकली जो कोर्स होगा उसका सब्जेक्ट यहाँ डिस्प्ले कर देगा और चेंज कर देंगे। इसके सब्जेक्ट का एक एसएमएस भी आपको मोबाइल पर प्रोवाइड हो जाता है। और यहाँ पे लास्ट वाला है कि आपका कोई इनरोल नंबर वगैरह, इनरोलमेंट नंबर आपको बाद में मिलता है, वो आपको यहाँ से अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट है सबमिट फीस। सबमिट फीस क्लिक करने के लिए यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उसका डिटेल फीस ऐड कर सकते हो। और यहाँ ये आपकी प्रिंट स्लिप है। यहाँ से आप देख सकते हो कि प्रिंट किस टाइप से स्लिप है आपकी। ये एक पेज में डबल निकलती है, आधे पेज में, सॉरी।
यहाँ आप हर फीस सबमिट करते रहोगे, वो आपको डिस्प्ले में। ये आपका फीस कार्ड है, यहाँ से फीस कार्ड आपका दिखाएगा, और ये ओल्ड फीस का सेशन है, ओल्ड फीस सबमिट कर सकते हो। ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स में आप यहाँ आप देख सकते हो डेली सेल्स वाइज, ये आपकी डेट वाइज है, इस डेट से किस डेट के बीच में हम रिपोर्ट अगर निकालना चाहें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर टोटल जितने भी इनकम्स हैं और जितना भी ये ओल्ड फीस की डिटेल है, अगर ओल्ड फीस आपने पुरानी जमा करी है सिस्टम में जाकर, जो ये आपका बैलेंस है किस किस पे कितना कितना बैलेंस है, वो टोटल आपका डिटेल दिखा रहा है। ये आपका पूरी फाइल जो है, अगर आपने 10 ट्रांजैक्शन भी किए हैं तो एक ही क्लास में आपको सारे के सारे दिखा देता। ये टोटल कलेक्शन है क्लास वाइज, किस क्लास में कितना फीस आनी है, कितनी बाकी है, टोटल बैलेंस दिखा रहा है, कितनी रिसीविंग हुई, और सारा का सारा टोटल भी दिखा रहा है आपको। यहाँ से आप बैलेंस फीस है, यहाँ पर सब दिखा रहा है कि किस क्लास में कितना कितना बैलेंस है, किस किस बच्चे पे कितना कितना, वो टोटल आपको दिखाता रहेगा। इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल में आपको एक्सपोर्ट हो जाएगी, पूरी लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगी। इसको हम सेव भी कर सकते हैं। इसी टाइप से आपका एक बैलेंस ओनली है जिसमें केवल बैलेंस रहेगा, ये आपकी सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट है, किस क्लास में कौन कितने कितने सब्जेक्ट है, कितने बच्चे हैं, वो आपको डिस्प्ले करेगा। बाकी इनकम और एक्सपेंस की रिपोर्ट्स है, ये सारी आपको रिपोर्ट्स यहाँ मिलेंगी, यहाँ डेट वाइज वगैरह डाल सकते हो, सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ से कभी भी प्रिंट कर सकते हो, ये आपको मिलेंगी। टोटल बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ आपकी आ जाएगी। ये एक्सपेंस और डेली रिपोर्ट्स का रिपोर्ट है, ये आपका है अकाउंटिंग में एक्सपेंस आइए, आपके जितने भी खर्चे हैं यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो डेट डाल के, और यहाँ पर आपने कितना किस हेड में लिया, जैसे डीजल है मैंने डाला कि मैंने इतने रुपए का डीजल लिया और सेव करूँगा, तो इसका वाउचर नंबर प्रिंट होता है, यहाँ पर प्रिंट करिए, प्रिंट करेंगे तो एक वाउचर निकल के आएगा, यहाँ पर आपको दिखाएगा कितना कितना है, ये आप भविष्य के लिए रख सकते हो। अब वाउचर का अगर हम टोटल कलेक्शन देखें तो डेट वाइज है आपका, वो सारी चीज़ें दिखाता रहेगा किस डेट से किस डेट के बीच में, हम पूरी रिपोर्ट इसकी प्रिंट कर सकते हैं। ये आपकी बैलेंस शीट है, इसमें सारे इनकम एक तरफ और एक्सपेंस एक तरफ, जितना भी पूरे कॉलेज में हुआ सारा का डिटेल आपको दिखाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट डीसीएफ का डेटा है, डीसीएफ में क्लास वाइज जितने भी एससी एसटी ओबीसी गर्ल्स वगैरह कितनी है टोटल दिखाएगा। ये आपका मैसेज सिस्टम है, क्लास वाइज है, आपको जो भी क्लास सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको पूरे सारे बच्चे डिस्प्ले में आ जाएंगे, और यहाँ पे आप मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हो, सारे बच्चों का सेम मैसेज आपका ये सेंड हो जाएगा एक क्लिक में, इसमें बस यहाँ क्लिक कीजिए और सारे बच्चों को तुरंत मैसेज चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रुप SMS, ग्रुप में आपकी आपने कोई भी सॉरी बैलेंस का बैलेंस में आपने किसी क्लास को करेंगे तो ऑटोमेटिक बैलेंस का मैसेज बन जाएगा, किस बच्चे पे कितना बैलेंस है टोटल आपका सेंड होने के लिए डिस्प्ले में आ जाएगा। ये है आपका सब्जेक्ट वाइज मैसेज, मीन दैट अगर किसी जैसे बीए फर्स्ट ईयर में हमने कोई इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लिया उसमें कितने बच्चे हैं टोटल, तो ऑटोमेटिकली वहाँ डिस्प्ले में आ जाएंगे, और वहाँ पर आप मैसेज टाइप करके सेंड पर क्लिक करेंगे तो सारा सेंड हो जाएगा। उसके बाद में ये ग्रुप मैसेज है, ऐसे बच्चे जो बाहर के हैं या कोई भी हैं जिनके फ़ोन नंबर आपके पास अवेलेबल हैं, यहाँ फ़ोन नंबर टाइप करके और कोई भी मैसेज टाइप करके आप तुरंत सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी बड़ी लिस्ट है, यहाँ पे आप केवल कॉपी पेस्ट रोल करके आप भेज सकते हैं। ये आपकी वेरीफाइड स्टूडेंट की लिस्ट है,
पूरे स्टूडेंट की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो कभी भी। यहाँ से आप टीसी में किसी का नाम डालोगे, सारे डिटेल आ जाएगा, किसकी टीसी काटनी है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दो तीन डेटा है उसको फिल करेंगे, और ये आपकी टीसी का सर्टिफिकेट जनरेट होगा। यहाँ पे एक टीसी नंबर जनरेट होता है, इसी एक ही पेज में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट टीसी दोनों निकल जाते हैं। और आपको अगर ट्रैक करना है टीसी का तो उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डिस्प्ले करेंगे, और यहाँ से आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाकर अगर कोई टीसी लेकर जाता है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वो यहाँ पर आपके वेबसाइट पर लिंक दिए हुए टीसी कर सकते हैं।